खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस के 21 संक्रमित विदर्भ में मिले। जुलाई महीने में जांच के लिए भेजे गए नमूनों के परिणाम सोमवार को जारी हुए। उसके बाद ही नागपुर में 5 सहित विदर्भ के गढ़चिरौली, अमरावती में 6-6, यवतमाल में 3 और भंडारा जिले में 1 मरीज पॉजिटिव पाया गया। डेल्टा प्लस वेरिएंट को खतरनाक करार कर दिया गया है। इस वजह से नागपुर वासियों को अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरी लहर के पीक पीरियड में जांच के 200 से अधिक नमूनों में डेल्टा वेरिएंट ही मिला था, लेकिन जुलाई महीने में नागपुर जिले में संक्रमण जब कम होने लगा तो डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिलने से चिंता बढ़ने लगी है। मनपा के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने बताया कि धंतोली जोन के एक अपार्टमेंट के 2, मंगलवारी व हनुमान नगर जोन की बस्ती में 1-1 मरीज डेल्टा प्लस वेरिएंट के मिले हैं। वहीं नागपुर में भर्ती चंद्रपुर जिले के 1 मरीज में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। सभी नमूने जुलाई महीने में भेजे गए थे। संबंधित सभी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्राथमिक तौर पर मरीजों से संक्रमण ज्यादा नहीं फैलने की पुष्टि हुई। फिर भी सावधानी बरतते हुए परिजनों, रिश्तेदारों व संपर्क में आए लोगों में अगर लक्षण दिख रहा है तो उनके नमूने जांचे जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की वजह से फैलने का निष्कर्ष प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निकाला गया। बाद में जब डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिले तो राज्य सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी। तीसरी लहर की आशंका भी इस वेरिएंट को देखते हुए जताई जा रही है। इस वजह से इस वेरिएंट को लेकर ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। इस वेरिएंट के पॉजिटिव मरीजों पर विशेष नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सोमवार को डेल्टा प्लस के 27 नए रोगियों की घोषणा की गई। इसमें विदर्भ के 21 और नगर के 4, नासिक के 2 मरीजों का समावेश था। अब तक डेल्टा प्लस के कुल 103 मरीज हो चुके हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।